चैनल हेयर स्कूल और मैं हूँ सुमन। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो साइड में रेड बटन है इसे दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ जो ये बेल आइकन है प्लीज आप इसे भी प्रेस करें। इससे प्रेस करने से क्या होगा कि आपको हमारे वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के बारे में। फ्रेंड्स आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम आपको आप अपने हेयर को इजीली ट्रिम कैसे कर सकते हैं इसका आज हम आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर करेंगे। फ्रेंड्स आई होप आपको ये पसंद आए। तो फ्रेंड्स क्या आप तैयार हैं हमारा आज का वीडियो देखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सबसे पहले सेंटर से पार्टीशन किया है, देन नेक्स्ट स्टेप में हम फ्रंट से दोनों सेक्शन निकाल लेंगे ईयर के पास से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से आपको आगे से दोनों सेक्शन निकाल लेने हैं। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पर फ्रेंड्स तीन सेक्शन करेंगे ट्रिमिंग करने के लिए। हम यहाँ फोर सेक्शन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम फ्रंट से दो सेक्शन निकालेंगे, देन उसके बाद जो है बैक का हमारा तीसरा सेक्शन निकलेगा इस तरीके से। सो आप कॉम की हेल्प से अच्छे से हेयर को डिटेंगल करें इस तरीके से, अच्छे से डिटेंगल कर लें हेयर्स को। अगर आपको नीड है तो आप इस तरीके का बड़ा कॉम भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छे से हेयर को डिटेंगल कर लें। सो हमारे हेयर डिटेंगल हो चुके हैं, अब हमें क्लाइंट का जो है हेड डाउन कराना है। अब हमें क्या करना है, हम हल्के से हेयर्स को ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से। ट्विस्ट करेंगे जो हमारा बैक का सेक्शन है, सारे हेयर को लेके हम ट्विस्ट करेंगे, देन उसको अच्छे से टाइटली पकड़ना है आपको इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके हम बिल्कुल स्ट्रेट करके हम सीजर की हेल्प से कट कर देंगे हेयर को। देख सकते हैं आप इस तरीके से बिल्कुल इक्वल लेंथ में हमारे हेयर इजीली ट्रिम हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इस प्रोसेस के हेल्प से इजीली ट्रिम कर सकते हैं हेयर को। ओके, इसको अच्छे से ऐसे ट्रिम कर लें। सो ये हमारा बैक का जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट ट्रिम हो गया है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से और इजीली हमने ये हमारा ट्रिम हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसको आप कॉम कर लें। ओके, उसके बाद अगर आपको लगे कि कोई छोटा मोटा रह गया है हेयर जो कि आपका मतलब छोटा बड़ा है इक्वल नहीं है, तो आप लेंथ को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें फ्रंट से सेक्शन लेना है। इसको अच्छे से हमारी क्लाइंट जो है वो बोल रहे हैं कि उनको ज़्यादा कट नहीं कराने हैं हेयर। ठीक है, उनको ज़्यादा लेंथ नहीं कटवानी है, तो हम इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा ही कट करेंगे। ठीक है, जो हमारी बैक से हमने कटिंग की थी हमने थोड़ा सा पार्ट हेयर का जो है गाइडलाइन की तौर पर हमने इसमें ऐड कर लिया था। सो हमारा ये इस साइड का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड से भी करवाना है कट, तो इनका हमने हल्का सा हेड जो है डाउन करवाया है। अब उसके बाद हम इस तरीके से स्ट्रेट करने के बाद बिल्कुल धीरे धीरे इसको इजीली कट कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है इसको। सो ये हमारा यहाँ पर दूसरी साइड का भी जो है इजीली सेक्शन ट्रिम हो चुका है। ओके, आप देख सकते हैं हमने
सारे हेयर्स को ट्रिम कर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों सेक्शंस को लेना है, जो हमारे फ्रंट के सेक्शन थे उनको आगे की साइड कॉम करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम अब इनकी थोड़ी सी फ्लिक्स के लिए कट करेंगे। सो हमने यहाँ पर कॉम करने के बाद हल्का सा इनके हेयर को ट्विस्ट किया है इस तरीके से, ओके। देन अब हम इसको थोड़ा सा कट करेंगे। सो हम अपने जो है फिंगर्स को तिरछा कर लेंगे इस तरीके से, हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर लिया है अपनी फिंगर्स को, देन कट कर दिया है। सो हमारी ये फ्रंट से फ्लिक्स भी निकल चुकी हैं इस तरीके से। सो हमारा ये जो है ट्रिमिंग का प्रोसेस डन हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। आई होप आपको हमारा ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो। जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।